हमने क्या कहते हैं दोनों तरह के गैमेट्स तो बना लिए, हमने स्पर्म्स भी बना लिए हैं और ना हमने वो भी बना लिए हैं ना वो साइड्स भी बना लिए हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस से हमने स्पर्म्स बना लिए हैं और ओ जेनेसिस ना वो हमने यानी दोनों तरह के ओ साइड्स भी बना लिए और स्पर्म्स भी। तो अब वो है ना, उन्होंने कहा अब एक ना क्लिनिकल होता है अब नॉर्मल गैमीट्स का, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये भी UQ है। तो हमारे पास ये अब नॉर्मल गैमीट्स का पूछते होते हैं कि ये क्या है। तो इसके अंदर हमारे पास है कि ना ह्यूमन और अदर मैमल्स के अंदर ना हमारे पास कभी कभार ये जो एक ओवेरियन फॉलिकल हमने बनाया था ना, तो हमारे पास इसके अंदर ना दो या तीन क्लियरली डिस्टिंग्विशल प्राइमरी ओवोसाइट्स हो जाते हैं। ये यानी हमने एक फॉलिकल में हमने अभी तक तो यही पढ़ा था कि हमारे पास सिर्फ से एक क्या कहते हैं उसके अंदर ना वो प्राइमरी ओवोसाइट था, उसी को हम आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा इसके अंदर दो से तीन भी हो जाते हैं, नॉर्मली ये हो जाता होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा मे गिव राइज टू ट्विन्स और ट्रिपलेट्स, तो इसी तरह हमारे पास ट्विन्स और ट्रिपलेट्स होते हैं यू। लेकिन उन्होंने कहा अक्सर हमारे पास ना ये जो दो से तीन बनते हैं ना, ये हमारे पास ना मेच्योरिटी से पहुँचने से पहले ये वाला फॉलिकल जो होता है ना ये डीजनरेट हो जाता है। तो उन्होंने कहा अब रेयर केसेस में ये होता है रेयर के। अब एक तो हमने ये बात कर ली कि एक ओवेरियन फॉलिकल के अंदर ना दो से तीन प्राइमरी ओवोसाइट्स। अब उन्होंने कहा कि रेयर केसेस में ये होता है कि हमारे पास अब जो एक प्राइमरी ओवोसाइट है ना उसके अंदर दो से तीन क्या कहते हैं ना न्यूक्लियस हो जाए। तो ये तो लाजमी बात है कि हमारे पास ना डाई बिफोर रीचिंग मेचोरिटी, या मेचोरिटी पर पहुँचने से पहले ही डाई कर जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा तीसरी, अब हमने ओवोसाइट्स की ये दो बातें कर ली हैं कि एक तो हमारे पास फॉलिकल के अंदर दो से तीन ओवोसाइट्स हो जाएं तो वो काम ख़राब है, और अगर हमारे पास ओवोसाइट के अंदर दो से तीन निकले तो काम ख़राब है। तीसरा उन्होंने कहा कि अब हमारे पास ना अगर एबनॉर्मल स्पर्मेटोजोआ हो जाएं, ये हमारे पास फ्रीक्वेंटली सीन होते हैं, ये फ्रीक्वेंटली हमें ये मिलते हैं, तो जो हमारे पास एबनॉर्मल, उन्होंने कहा अप टू 10% ऑफ ऑल ना आर डिफेक्टेड, 10% सारों के अंदर से जितने भी होते हैं ना उसमें से 10% डिफेक्टेड ही होते हैं। तो उन्होंने कहा मे बी जॉइंट्स, या तो ये हमारे पास जॉइंट्स हो सकते हैं बड़े हो सकते हैं, या फिर हमारे पास ये छोटे हो सकते हैं स्पर्म्स, मे बी जॉइंट, और अक्सर ये जुड़े भी हो सकते हैं और अक्सर के दो हेड्स भी हो सकते हैं। तो इन्होंने इसकी चार तरह की शेप्स बता दी हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास एबनॉर्मल गैमेट्स जो हमारे पास 10% होते हैं, उन्होंने कहा स्पर्म विद मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी जो होती है ना वो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या एबनॉर्मैलिटीज होती हैं, तो दे लैक नॉर्मल मोटिलिटी, वो सही से मोटाइल नहीं होते, सही से मूव नहीं कर सकते, दे डू नॉट फर्टिलाइज ओवोसाइट्स, और उसके बाद वो फर्टिलाइज भी सही से नहीं करते, तो उनका कोई काम ही नहीं है, वो एबनॉर्मल है। तो उन्होंने कहा अनेबल टू पास थ्रू द म्यूकस एंड सर्वाइकल कनाल, जब हमारे पास यहाँ पर सर्विक्स कनाल है उसके अंदर से हमारे पास स्पर्म्स ने पास करके अंदर यूट्रस तक जाना है ना, तो हमारे पास वो जब वही नहीं पास कर पाएगा तो ना फर्टिलाइज कर पाएगा ना सही से मोटिलिटी उसकी हो रही है, तो ये तीनों की वजह से हमारे पास ये मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल होगा। अब अगर हम इसकी डायग्राम देखें ना, जो हमारे पास ये है, मैंने ये दिखाया हुआ है कि हमारे पास एक प्राइमरी फॉलिकल हमने ये बनाया हुआ है, ठीक है, ये हमने एक प्राइमरी फॉलिकल बनाया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास अब ये दो जो है हमारे पास ये प्राइमरी ओवोसाइट्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल विद टू ओवोसाइट्स। ये मैंने दिखाया हुआ है कि अब एक प्राइमरी ओवोसाइट है उसके अंदर हमने ट्राई न्यूक्लिएटेड ओवोसाइट हमने बनाया है, तीन न्यूक्लियस हैं, और तीसरा हमने यहाँ पे एबनॉर्मल स्पर्मेटोजोआ के अंदर हमने क्या दिखाया है, ये कि हमारे पास इसके दो हेड्स हैं, ठीक है, ये वाला हमारे पास इसका हेड ही सही से नहीं बना हुआ, ये जो है हमारे पास इसके अंदर हमारे पास दो जॉइंट हो गए हैं, ये हमारे पास शॉर्ट है और ये हमारे पास राउंडेड है। तो इस तरह करके हमारे पास ना ये सारे एबनॉर्मल गैमेट्स हैं। और एक और छोटी सी बात यहाँ पे पीछे स्किप हो गई थी, हमारे पास के साइट्स ऑफ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म कहाँ कहाँ पे मैच्योर होते हैं, तो एक वो होते हैं टेस्टिस के अंदर मैच्योर, एक वो होते हैं हमारे पास मेन मेल जेनिटल ट्रैक की ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, इसके अलावा हमारे पास ना सेमिनल प्लाज्मा होता है फ्रॉम मेल जेनिटल ग्लैंड, सेमिनल ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास उनसे सेक्रीशन होती है उधर होता है, चौथा हमारे पास फीमेल जेनिटल ट्रैक, फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर भी वो थोड़े से मैच्योर होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ना उसके अंदर वो रिएक्शन एक्रोसोम रिएक्शन वगैरह होता है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास वो भी मैच्योर होते हैं। तो ये चार जगहें हैं ये हमारे पास ना, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है हमारे पास साइट्स ऑफ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो हमारे पास क्या जी, एक हमारे पास होते हैं उसमें टेस्टिस, एक उसके अंदर मेल जेनिटल ट्रैक की ट्यूब्यूल्स हो जाती हैं, एक हमारे पास उसमें सेमिनल प्लाज्मा हो जाता है, और एक हमारे पास जो ना फीमेल ना रिप्रोडक्टिव जेनिटल ट्रैक के अंदर, तो ये हमारे पास ये चार जो हैं हमारे पास उनमें ये होता है।